If all elements below diagonal elements of determinant below diagonal elements of determinant are zero, then value of determinant is given by multiplication of diagonal elements. Multiplication of what? Diagonal elements. Okay, matlab ye determinant dekho this is A, B, C, D, E, F, G. Okay? तो ये diagonal elements है. कौन से? A, D, G. ये क्या है? Diagonal elements. इसके नीचे के सारे elements क्या है? Zero. तो इस determinant का जो value है, that is just multiplication of diagonal elements. Okay? So इस determinant का value क्या आएगा? It will be just multiplication. यहाँ पे zero होना चाहिए. ओके तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है ना. ये डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है. सो इस केस में जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी जस्ट व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज द प्रॉपर्टी. तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली यूज दिस प्रॉपर्टी एंड यू कैन राइट द आंसर एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. जैसे कि मान के चलो मुझे इसका आंसर बताओ. माइनस टू जीरो थ्री फोर फाइव कौन था वो? हरकिशा. नींद नहीं हुई है उसकी. चलो बोलो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? माइनस टू फोर. माइनस कहाँ पे? ओ सॉरी. यस चलो. हाँ इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस टू इंटू फोर इंटू 8, which is what? Minus 64. Okay, so ये है अपना property. चलो लिखो फटाफट. इसको कभी-कभी triangle property भी बोलते हैं. Call this as triangle property sometimes. ओके अब नेक्स्ट. अब अपन देखने वाले वैसे प्रॉपर्टी ऐसा नहीं बट अपन उसको अलग हेडिंग देंगे ट्रांसफॉर्मेशन. ओके इसको अपन अलग हेडिंग देंगे ट्रांसफॉर्मेशंस. Now, देखो ध्यान दो. सपोज ये डिटर्मिनेंट है. लेट्स से दिस इज डिटर्मिनेंट ए बी सी और एल्स ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री. तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता जब तुम कोई भी रो को किसी भी रोज में एड कर देते. मतलब सपोज मान के चलो मैंने कुछ ऐसा किया R2 में मैंने R1 को ऐड किया A1 B1 C1. मैंने क्या किया R2 में R1 को ऐड किया. ये प्रॉपर्टी जो है वो लिखने से अच्छा अपन ऐसे समझते हैं. एग्जांपल से B2 प्लस B1 C2 प्लस C1 A3 B3 C3. क्या किया मैंने? R2 में R1 को ऐड किया फिर भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता. सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशंस. सपोज मान के चलो मैंने
आर वन में से आर थ्री को सब्ट्रैक्ट किया, आर वन में से आर थ्री को सब्ट्रैक्ट किया, ए वन माइनस ए थ्री, बी वन माइनस बी थ्री, सी वन माइनस सी थ्री, आर टू इज एज इट इज, आर थ्री इज एज इट इज. सो आर वन में से आर थ्री को सब्ट्रैक्ट किया, फिर भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. ओके तो ऐसे तुम कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. मान के चलो मैंने आर वन में मल्टीपल एम मल्टीपल्स ऑफ आर टू एड किया, आर वन में एम मल्टीपल्स ऑफ आर टू, मतलब एम मल्टीपल्स ऑफ आर टू मतलब क्या है, एम प्लस एम इंटू ए टू ये एड किया, बी वन प्लस एम इंटू बी टू, सी वन प्लस एम इंटू सी टू. फिर भी इसका अगर d वैल्यू है तो इसका भी d ही होगा, इसका भी d होगा, इसका भी d ही होगा. ओके सबका वैल्यू क्या होगा, सेम. ओके तो तुम कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. सो बी टू ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ऐसा. अंडरस्टूड? यस. सो तुम आर वन में आर टू में आर थ्री में विद द हेल्प ऑफ अदर्स यू कैन मेक द चेंजेस, उसका मीनिंग उसका वैल्यू चेंज नहीं होता. ओके सो ये थे रो ट्रांसफॉर्मेशन. सेम थिंग हैपन्स फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ओके इट विल बी सेम फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तुम कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम में ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी कॉलम में किसी भी कॉलम का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ओके सो सेम फॉर व्हाट, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ये थोड़ा एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके अभी थोड़ा सा लेटर्स की वजह से अपन को समझ में नहीं आ रहा, तो इतना लिखो पहले, फिर अपन जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे समझ में आएगा. डन. ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, क्वेश्चन से ही आइडिया आ जाएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्सपैंडिंग एक्सरसाइज 6.2 का, विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. सो द क्वेश्चन. ओके तो क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इट इज 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी. अब जैसे कि मैंने बोला था कि तुम कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम में ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ओके एंड यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो. देखो कैसे होता है, लुक एट दिस. अब देखो मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, इसका वैल्यू मान के चलो डी है. ओके देन दिस डी इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू एड सी टू इन सी थ्री, सॉरी यस
C3 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, C2 ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो C1 में कोई चेंजेस है क्या? नहीं, C1 में कोई भी चेंजेस नहीं। C2 में कोई चेंजेस है क्या? नहीं, C2 में भी कोई चेंजेस नहीं। तो C3 में किसको ऐड करना है? C2 को ऐड करना है। सो ए प्लस बी प्लस सी, बी को इसमें ऐड कर दो, सी प्लस ए प्लस बी इसको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया है यहाँ पे इस कॉलम में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सो जब भी ऐसे कॉमन दिखता है तो यू कैन टेक इट आउट, डिटरमिनेंट्स में यू कैन टेक इट आउट, ओके। तो टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, तो क्या आया फिर, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन लिया मैंने, व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 1 1 1, ए बी सी। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1। अगर यहां से भी मान के चलो कुछ कॉमन आता तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता था, फिर से यहाँ पे अगर कुछ कॉमन आता तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता था, ओके। सो ए प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन लिया, आई गॉट 1 1 1। अब मुझे बताओ, एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, अगर कोई रोज या कोई कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो सीधा उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर व्हाट, आइडेंटिकल, एंड देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, ओके। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे साथ में, फिर मैं तुम्हें सॉल्व करने देती हूँ, एकदम से नहीं आएगा ये चीज, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है इसको, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, इतना नोट करो। मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस, लाइक व्हाई वी टुक कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज इट वॉज सेम ना, यहाँ पे C3 में देखो हर एक एलिमेंट तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी है, तो तुम ऐसे कोई भी सिंगल कॉलम से या फिर कोई भी सिंगल रो से यू कैन टेक आउट, अगर कुछ सेम चीज दिखाई दे रही है तो ऐसा, तो इसलिए तुम यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, एक ही कॉलम में है। ऐसा नहीं होता कि डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का एक कॉलम भी सेम रहा या फिर एक रो भी सेम रही तो भी यू कैन टेक इट आउट, ओके। चलो डन, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल मी। सेकेंड, डी इज 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 6x, 9x, 12x, कैन यू टेल मी क्या करना पड़ेगा? थर्ड रो में से 3x को निकालना पड़ेगा। थर्ड रो में से अगर मैंने 3x को कॉमन लिया, देखो थर्ड रो में से अगर मैंने 3x को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा हमें, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4 again, 2, 3, 4, तो क्या हुआ फिर इसका वैल्यू, 0। वाई? बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ओके। R1 एंड R3 आर व्हाट, आइडेंटिकल, एंड देयरफॉर D इज इक्वल टू 3x इनटू 0,
which is zero. किसी के कॉलेज में हुआ ये लेसन? नहीं, अभी तक इतना दूर पहुंचे ही नहीं है ना. अच्छा, कब से? पोर्शन नहीं है. तुम्हारा कॉलेज ऑनलाइन है ना बेबी? मुझे अरे हाँ, मैं तुझे पूछने वाली थी आज यूनिफॉर्म में नहीं है तू. कोई तो भी कोविड का मिला हमारे स्कूल. अरे स्वयं तेरा क्या सीन है? तुझे कौन तो कॉलेज है? वाड़ी. वाड़ी अलग से का कॉलेज. मतलब वो टेंथ और ट्वेल्थ वालों के ऐसे हो रहा है कि चलो तुम एग्जाम दे दो, मैं आता हूँ तुम्हारी एग्जाम कैंसिल करने. न्यू वेरिएंट. नहीं बट वो डेडली नहीं है ना वायरस, ऐसे मतलब ज्यादा ऐसे डेथ रेट नहीं है ना, बस स्प्रेड बहुत जल्दी, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है. और उसके वो ये भी समझ में नहीं आता है ना, सिम्टम्स समझ में नहीं आता. हाँ, जनरल वीकनेस रहता है बस ऐसा. ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा स्पीड है ऐसे मुझे. अब इसको कैसे करोगे सॉल्व? कुछ तो रिलेट करो. वो छोटे छोटे नंबर वाले कॉलम्स है ना, उनको ये लास्ट वाले कॉलम के साथ रिलेट करने की कोशिश करो. देखो C2 को यूज करके 86 है. C2 को यूज करके कुछ तो कोशिश करो. क्या C1 मिल सकता है? क्या C2 को यूज करके C1 मिल सकता है क्या? मैम C2 प्लस C2 इनटू नो मैम, मैंने ऐसे किया था कि 7 7 49 7 8 56 7 9 63 so 63 plus 2 = 65 but which row we हाँ सही सोचा है तूने, but थोड़ा सा भी उसको ऐसे उल्टा कर. C3 minus 9 C2. अब चेक करो क्या आता है, चेक करो. चलो ये कैलकुलेट कर लो. C2 minus 9 C3 minus 9 C2. C1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, C2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, C3 में चेंजेस होंगे. चेक करो जरा. फाइनल आंसर डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट का फाइनल आंसर. नो मैम, सी सी थ्री माइनस नाइन सी टू. ये पूरा कॉलम चेंज हो जाएगा. सी वन टू थ्री फाइव आ रहा है, टू थ्री फाइव आ रहा है. यस, तो सी वन में कोई चेंजेस नहीं है, सी टू में भी कोई चेंजेस नहीं है, C3 में क्या चेंजेस होंगे? C3 minus 9C2. C3 minus 9C2. C3 minus 9C2.
ओके तो क्या आया फिर ये 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63 है ना 65 minus 63 is 2 75 minus 72 is 3 86 minus 81 is 5 So C1 and C3 are identical. And hence D is equal to what? 0. मैम C1 plus 9 C2 अगर किया तब भी आंसर सेम आता है yes you can do that definitely C1 plus 9 C2 भी कर सकते हो still you will get C1 and C3 तुम्हें सेम मिल जाएगा उस केस में इस केस में हमें C1 and C3 सेम मिल रहे उस केस में भी तुम्हें C1 C3 सेम मिल जाएगा ओके क्योंकि वहां पे फर्स्ट रो में आएगा ना 65 75 and 86 चलो नेक्स्ट अभी देखो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ओके यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ show that a plus b a b a a plus c c b c b plus c is equal to 4abc okay this thing we need to show ab dekho इस डिटरमिनेंट को कंसिडर करो D इज इक्वल टू अब थोड़ा सा हमें ना प्रॉपर्टीज यहाँ वहां बहुत सारी लगानी है ओके एट द एंड हमें डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन बताना पड़ता ही है ऐसा कुछ नहीं कि एट द एंड डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेशन बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो अभी आंसर जीरो थोड़ी ना आ रहा है अभी आंसर कुछ डेफिनेट वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब आइडेंटिकल तो कुछ मिलेगा नहीं हमें यहाँ पे ओके तो यहाँ पे एट द एंड डिटरमिनेंट को हमें बेसिक वे से सॉल्व करना ही पड़ता है बट प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होगा वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा अभी इस पॉइंट पे भी तुमने अगर ऐसे किया a प्लस बी इंटू इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस a इंटू इनका और इनका मतलब जैसे अपन डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं 3/3 वैसे किया तो भी आंसर आएगा लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी चलो अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है अगर मैं C1 में C2 एंड C3 को एड कर देती हूँ इफ आई एड C2 एंड C3 इन C1 C1 में अगर मैंने किसको ऐड किया C2 एंड C3 को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा डिटरमिनेंट देखो जरा a प्लस बी में a प्लस बी ऐड किया तो क्या हो जाएगा ट्वाइस a प्लस बी हो जाएगा a में मैंने a प्लस सी और c ऐड किया तो क्या हो जाएगा ट्वाइस a प्लस सी हो जाएगा b में c एंड b प्लस सी मैंने ऐड किया क्या हो जाएगा ट्वाइस b प्लस सी हो जाएगा नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस a b A plus C, C, then C and B plus C. Okay? क्या मिला अब 2 को बाहर ले सकते 2 को बाहर ले सकते आराम से सो D में क्या किया मैंने 2 को बाहर लिया सो वट इज लेफ्ट विथ अस A प्लस बी A, B, A प्लस सी A प्लस सी C. B प्लस सी C, B प्लस सी ये मिला ना हमें अब ये और मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए भी डिफिकल्ट है तो इसको और कुछ हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो अपन क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे इन केसेस देखो अगर तुमने इन दोनों को देखा तो मुझे समझ में आएगा कि अगर मैं C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये चला जाएगा और C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये भी चला जाएगा है ना तो अपन क्या करेंगे एक साथ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब C1 में से C2 प्लस C3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाँ यहाँ पे तो ज्यादा कुछ
मतलब यहाँ पे भी चीजें निकल ही जाएंगी, मतलब देखो C1 में से अगर मैंने A को सब्ट्रैक्ट किया तो A निकल जाएगा, C1 में से अगर मैंने C3 को सब्ट्रैक्ट किया तो B निकल जाएगा, तो यहाँ पे तो जीरो ही बचेगा एट दी एंड, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा अपना। क्या क्या किया मैंने देखो, फिर से एक बार समझा देता हूँ। व्हाट वी हैव डन, अगर मैंने C1 में से मान ये A प्लस सी दिखाई दे रहा है और ये A प्लस सी दिखाई दे रहा है, अगर मैं C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो A प्लस सी निकल जाएगा, आई विल गेट जीरो ही, और है ना। इन केस ऑफ B प्लस सी अगर मैंने C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट किया तो B प्लस सी निकल जाएगा, आई विल गेट जीरो ही, और है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं C1 कॉलम के लिए तो हमारी काफी सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। ओके सो यस लेट्स डू दैट। सो D इज इक्वल टू C1, C1 क्या है अपना A प्लस बी, A प्लस सी, B प्लस सी, माइनस C2 प्लस C3, A प्लस बी, है ना, माइनस C2 प्लस 3, A प्लस C प्लस, माइनस C2 प्लस C3, C प्लस B प्लस। ओके अपना C2 एज इट इज रहेगा, C3 एज इट इज रहेगा, ओके ये दोनों सेम रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब क्या हो गया, यस A A चला गया, B B चला गया, यहाँ पे जीरो बचा A एंड B, यहाँ पे A A चला गया, C C चला गया, माइनस C A प्लस C C, यहाँ पे B B चला गया, C C चला गया, यू विल गेट व्हाट, माइनस C C एंड B प्लस C, ठीक है। अब और एक चीज हो सकती है, अब देखो हाँ C2 में मैंने अगर C1 को ऐड किया क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस से निकल जाएंगे, माइनस सी प्लस से निकल जाएंगे। C3 में मैंने अगर C1 को ऐड किया क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस से निकल जाएंगे, माइनस सी प्लस से निकल जाएंगे। ओके सो देन आई एम गोइंग टू ऐड, C2 में क्या ऐड किया मैंने, C1 को, तो C1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, C2 में मैंने C1 को ऐड किया है तो A प्लस जीरो विल बी A, A प्लस सी ये क्या है, ये क्या हुआ, A प्लस जीरो, ए प्लस सी प्लस माइनस सी, मतलब वो माइनस सी हो जाएगा, देन सी प्लस माइनस सी, मैंने क्या किया सी टू में सी वन को ऐड किया है, ओके देन आई सेड सी थ्री में भी सी वन को ऐड कर दो, बी में बी प्लस जीरो किया हमने, सी थ्री में सी वन को ऐड किया हमने, सी थ्री में सी वन को ऐड किया हमने, है ना। तो ये माइनस सी प्लस से निकल गया, माइनस सी प्लस से निकल गया, माइनस सी प्लस सी, माइनस सी प्लस सी, व्हाट इज लेफ्ट विद अस, टू जीरो माइनस सी माइनस सी, यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या बचा, बी, यहाँ पे क्या बचा, जीरो एंड बी। अब मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, यू कैन टेक कॉमन, कॉमन ले सकते हो तुम चीजों को, जैसे कि देखो फर्स्ट कॉलम में से माइनस सी कॉमन आएगा, आएगा ना कॉमन फर्स्ट कॉलम में से, माइनस सी जीरो है, जीरो से तो आ ही जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन लिया हमने, माइनस सी, सेकेंड कॉलम में से ए कॉमन आ सकता है एंड थर्ड कॉलम में से बी कॉमन आ सकता है। ओके तो बचा क्या फिर अपने पास, जीरो वन वन, यहाँ पे क्या बचा, वन वन जीरो, है ना, यहाँ पे क्या बचा, वन जीरो वन। कुछ आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं क्या रोज एंड कॉलम्स, कोई रो जैसे कि मान के चलो ये तीन रोज है, इनमें कुछ सेम है क्या, ये जीरो वन वन है, ये वन वन जीरो है, ये वन जीरो वन है, कॉमन सेम नहीं है। ओके उसके बाद ये क्या है, देखो ये जीरो वन वन है, ये वन वन जीरो है, ये वन जीरो वन है, सेम है क्या, नहीं। ओके सो क्या मिला फिर हमें, यस माइनस टू ए बी सी। अब हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, जीरो इंटू वॉट, वन इंटू वन विल बी वन, माइनस जीरो इंटू जीरो विल बी जीरो, देन माइनस वन क्या हो जाएगा, वन इंटू वन माइनस जीरो इंटू वन, प्लस वन इंटू जीरो माइनस वन इंटू वन। ओके सो वॉट इज दिस, माइनस टू ए बी सी, ये कितना आया, जीरो माइनस वन, एंड ये कितना आया, माइनस वन, विच इज वॉट, माइनस टू ए बी सी, माइनस टू विच इज फोर ए बी सी।
अब प्रॉब्लम क्या है ना, इतना सब दिमाग में स्ट्राइक होना बहुत टाइम लेता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस लगती है. बट द थिंग इज कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे अपन 12th में जाएंगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स है, उसमें तुम्हें मैट्रिसेस चैप्टर आता है, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. ओके, तो वो इजी है. ये डिटरमिनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें जनरली नहीं पूछते, मतलब 12th के हिसाब से जरूरी नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा पॉलिशिंग मिल जाएगा इससे. चलो लिखो फटाफट, जब भी स्क्रॉल करना होगा मुझे बताओ, ये तो क्वेश्चन ही है. मिस एक बार फिर से समझाओ ना. हाँ एक बार लिखो पहले, फिर मैं समझाती हूँ. मैम स्क्रॉल करूँ. ऊपर का देखना स्कूल. थोड़े इजी क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद, ठीक है. सिक्स्थ वाला सिंपल है, सिक्स्थ वाला करते हैं पहले.
डन। देखो वन बाय वन अभी क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है कि तुमने ऐसा ही करना चाहिए, तुमने वैसा ही करना चाहिए, तुमने सी टू प्लस सी थ्री करना चाहिए, सी वन में एड करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन टेक रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, यू कैन मिक्स रो एंड कॉलम ऑल्सो, ओके ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि मैंने जिस मेथड से किया उसी मेथड से तुमने करना है, ओके ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ये तुम ऐसा भी कर सकते हो, आर वन में आर टू और आर थ्री एड किया, आर वन में आर टू आर थ्री एड किया, ऐसे भी कर सकते हो, ओके। बट द थिंग इज कि तुम्हें एट द एंड क्या होना चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन जो है दैट शुड बी सिंप्लीफाइड। जैसे अभी देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया अपना डिटर्मिनेंट, अगर मैं यहीं पे सॉल्व करके डिटर्मिनेंट को तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, अगर मैंने ऊपर ही सॉल्व किया होता यहाँ पे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह आते थे उसमें, है ना। तो इस वजह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए, डिटर्मिनेंट को रिड्यूस किया एंड देन वी अप्लाइड द नॉर्मल एक्सपेंशन। तो क्या हो गया फिर यहाँ पे, यस जब मैंने C1 में C2 और C3 को ऐड किया तो मुझे यहाँ पे ट्वाइस A मिल गया, ट्वाइस B मिल गया, फिर से ऐड किया तो ट्वाइस A मिल गया, ट्वाइस C मिल गया, फिर से ऐड किया तो ट्वाइस B एंड ट्वाइस C मिल गया। तो मैंने 2 को बाहर लिया, अब मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसको मुझे क्या करना है, थोड़ा रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करूंगी, C1 में से क्या करेंगे अपन, C1 में से C2 C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके तो C1 में से हमने C2 प्लस C3 सब्ट्रैक्ट किया, C1 में से C2 प्लस C3 सब्ट्रैक्ट किया, C1 में से C2 प्लस C3 सब्ट्रैक्ट किया। ये सब्ट्रैक्शन करने की वजह से अपना काम थोड़ा सा आसान हो गया, ए ए कट बी बी कट, ए ए कट सी सी कट, बस बचा मेरे पास माइनस सी, बी बी कट हुआ सी सी कट हुआ, बस बचा अपने पास माइनस सी, ओके नाउ यस अभी ये दोनों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, है ना। तो ये सॉरी इनका नहीं, इसका और इसका, ये थोड़े कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, सी हटा सकते हैं अपन, जब अगर मैंने सी वन को ऐड किया, इसमें भी अगर मैंने सी वन को ऐड किया तो सी हटा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड व्हाट सी वन, ओके इन सी टू एंड सी थ्री। अब मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, नाउ आई कैन टेक कॉमन इजीली एंड आई विल गेट व्हाट, जीरो वन 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 जीरो वन जीरो वन, नाउ डिटर्मिनेंट कैन बी इजीली सॉल्वड, ओके सो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करना है हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशंस किए वही तुमने करने चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जाम में आएगा क्या, एग्जाम तो होने दो तुम्हारे फिर आएगा एग्जाम में, है ना, यहाँ तक पहुंचने तो कॉलेज वालों को पहले, फिर देखते हैं मैम। हाँ हमारी डायरेक्ट टर्म होने वाले, यूनिट टेस्ट नहीं होने वाली अब। हाँ क्या, तो टर्म में मतलब हाफ सिलेबस होगा, कौन से लेसन है तुम्हें अभी मैम पोर्शन दिया नहीं है पर मैथ्स टू के मैथ्स वन तो सिखाया ही नहीं कोई भी चैप्टर, और मैथ्स टू का फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड और एट चैप्टर हो गए। अच्छा मतलब वो क्वार्टाइल्स वगैरह सेंट्रल टेंडेंसी ना वो सब हो गया। यस देखते हैं फिर कैसे तुम्हारे अभी स्केड्यूल आते हैं, उस हिसाब से देखना पड़ेगा कितने एग्जाम्स लेंगे, कितना मैथ्स वन का इसी वजह से नहीं लेते हो क्योंकि उसका ना कुछ पार्ट यूजफुल नहीं है ट्वेल्थ, बात ये है, और फाउंडेशन में भी उसके सभी सिलेबस में से सिर्फ चार चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है तो बाकी कुछ भी यूजफुल नहीं, तो इसलिए फिर without expanding determinants find the value 10 57 107 12 64 124 15 78 and 153 socho zara kya kiya ja sakta hai यहाँ पे, अभी नंबर्स का हमने किया था ना पहले भी, सो यस थिंक क्या किया जा सकता है, विदाउट एक्सपांडिंग मतलब अपन जो करते हैं ना 10 इंटू 57 इंटू 107 वो करते हैं ना अपन, फिर से डिटरमिनेंट्स ऑल्टरनेट साइंस देते हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट।
विदाउट एक्सपांडिंग मतलब वी नीड टू यूज प्रॉपर्टीज हियर ऐसा. देखो जरा कुछ तो दिमाग लगाओ. सेवन सेवन दिख रहा है मुझे, फोर फोर दिख रहा है वहां पे, कुछ कर सकते हैं सीवन को यूज करके. सोचो क्या कर सकते हैं ना. 57107 64124 कुछ तो यहाँ पे फोर फोर दिखाई दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं. C2 and C3 के नंबर्स हमें रिड्यूस करने हैं. C3 minus 5 into C1. तूने शायद C2 minus बोलना चाहिए था. C2 minus. C3 minus 5 into C1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आएगा. अच्छा ओके 57 आ गया. हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा. तो बट आगे आगे चेक करना आ रहा है यहाँ पे 64 78 आ रहा है. देन C3 minus 5 into ये कितना आ रहा है, 124 minus 60 64 आ रहा है. वेरी गुड. देन C3 minus 5 into यस क्या आ रहा है ये 153 minus 75 कितना आता है ये 78. वेरी गुड 78 आ रहा है ना. हाँ 78 आ रहा है. तो यस C3 minus 5 into C1 क्या हुआ फिर ये. C1 में कोई चेंजेस नहीं, C2 में भी कोई चेंजेस नहीं. सो यस C3 minus 5 into C1 C3 minus 5 into C1 C3 minus 5 into C1 ये सारे C1 है देखो है ना, ये सारे C1 है. कितना आया फिर D 10 57 57 12 64 64 15 78 78. So how much is this? Zero. Why? Because C2 and C3 are identical, ना? C2 and C3 are identical. So T का वैल्यू क्या हो गया? Zero. Got it? Okay. बस ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये थोड़ा सा टफ है. अगला बहुत सिंपल है, अगला हमने किया है ऑलरेडी. चले आगे. यस नेक्स्ट. सेकेंड 2014 2017 1 2020 2023 1 2023
ऐसा नहीं नंबर एड कर सकते थे. You cannot do this. You have to take some multiple. C3 मल्टीप्लाई कर सकते फिर चलेगा. क्या करेंगे अपन? C1 + 3 C3. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? डिटरमिनेंट D इज इक्वल टू C1 + 3 × C3. तो C2 क्या है? 2017, 2023, 2026, 111. तो कितना है फिर ये? 2017, 2023, 2026, 2017, 2023, 2026. So, कौन से आइडेंटिकल है? C1 and C2 are identical. And therefore, value of determinant is 0. Got it? Okay. डन? यस. अब करते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन. नंबर्स वाला कर रहे हैं अपन, वेरिएबल्स वाला कल करेंगे. अभी नंबर्स वाला कैसे थोड़ा सा समझ में आ जाता है ना जल्दी. क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया ना सबने, ये वाला सिक्स्थ वाला. विदाउट एक्सपैंडिंग show that 163, 317, 64, 12, 221, 317, 326 equal to 133, 212 and 176. Okay. चलो अब LHS देखते हैं पहले. LHS is what? 163, 317 and 6, 4, 12 + 4 × 233, 212, 176. ओके, अब अगर मैंने सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है यहां से क्या कॉमन निकल सकता है? 2 कॉमन निकल सकता है. तो मैं 2 को कॉमन लेती हूँ. ठीक है, 2 को कॉमन लेने के बाद क्या समझ में आया? 2, 3, 2, then 6, sorry, 3 आएगा, 2, 6, ये क्या हो गया? ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, then this is what? 3, 7, 6, okay, plus 2, 2, 1, 3, 1, 7, 3, 2, 6. अगर तुमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो तुम्हें समझ में, क्या समझ में आ रहा है? यस, अगर ऑब्जर्व किया तो कैन यू टेल मी, ये 2 कॉमन लेने के बाद कुछ तो चेंजेस हुए जो हमारे फेवर में है, बोलो. सेकंड और थर्ड कॉलम, दोनों के सेकंड और थर्ड कॉलम क्या मिले? सेम दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम. अब अपन क्या करेंगे?
इस टू को ना सीवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फोर को भी सीवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देखो हाँ, हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, टू ट्वेल्व ये हो गया सिक्स, थ्री वन सेवन, थ्री टू सिक्स प्लस एट एट फोर, थ्री वन सेवन, थ्री टू सिक्स. हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, जरा पेजेस पलटो, आई थिंक इट इज प्रॉपर्टी नंबर फाइव, चेक करो एक बार. ए वन प्लस एक्स, ए बी वन प्लस वाई, सी वन प्लस जेड, वही था क्या? एक्स वाई जेड ही लिया था हमने. क्या समझ में आ रहा है? अगर बाकी सब कुछ सेम है तो तुम वो जो एक रो या फिर एक कॉलम जो आइडेंटिकल नहीं है उसको तुम सीधा ऐड कर सकते हो. जैसे कि देखो, ये सब कुछ सेम है और ये भी सेम है, ये पार्ट दोनों डिटर्मिनेंट्स का कैसा है, सेम है. तो यू कैन ऐड दिस C1 एंड यू कैन गेट वन डिटर्मिनेंट. एक डिटर्मिनेंट तुम्हें मिल सकता. प्रॉपर्टी कैसा था एक बार मैं फिर से लिखती हूँ. देखो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस XYZ A2 B2 C2 A3 B3 C3. देन यू कैन गेट दिस एज A1 प्लस X B1 प्लस Y C1 प्लस Z A2 B2 C2 A3 B3 C3. ये ऐसा प्रॉपर्टी है. मतलब दोनों बचे हुए दोनों रो या फिर बचे हुए दोनों कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो तुम जो सेम नहीं है उसको तुम ऐड कर सकते हो. सो वी कैन ऐड दिस ना, 2 एंड 8, 12 एंड 8, 6 एंड 4, ये सेम हो गए. 3 1 7, 3 2 6, क्या मिला हमें? व्हाट वी गॉट? 10 20 10, 3 1 7, 3 2 6. ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है? व्हाट इज आवर प्रूफ? 10, ये आरएचएस है ना अपना, दिस इज आरएचएस. 1 2 1 3 1 7 3 2 6, ये अपना. दिख क्या रहा है तुम लोगों को? क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो जरा. मैम, कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रोज. कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रोज, मतलब देखो ना, यहाँ पे ये कॉलम था आरएचएस में, वो रो बन गया. यहाँ पे ये कॉलम था आरएचएस में, वो रो बन गया. सो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, व्हाट आई विल गेट? क्या मिल जाएगा हमें? यस, 10 20 10, 3 1 7 3 2, 6. Now you can take 10 out, na? 1, 2, 1, 3, 1, 7, 3, 2, 6. Mil gaya RHS. Okay? So numbers mein thoda sa visualize karna simple hota hai, jab variables saath mein thodi problem ho jati hai, na? Likho pata. बहुत दूर से आता है तो कितनी दूर होने तो रहे.